Justice! We want justice! No pasito! No pasito! 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 No pasito! We want justice! We want justice! Justice! Pasito! Pasito! मुस्लिम सेंट्रल कमेटी देखतियाल और तमाम मुस्लिम पार्टियों के साइदीन की तरफ से आज एक एहतजाजी रैली पूरा मन एहतजाजी रैली टावर के पास मुनाकिद की गई और इसमें हम सीएम केसीआर साहब से और वजीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मोइनाबाद में जो वाकया पेश आया है, एक मुस्लिम लड़की को जो है, एक मजलूम लड़की को उसके साथ रेप एंड मर्डर जो है एक यादव ने किया है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं कि इस कातिल को, इस दलिंदर को, इस वहशी को सजा की फांसी दी जाए। गुज़िश्ता दो दिन कबल मोइनाबाद के अंदर बरसरे इक़्तदार जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मधु यादव की जानिब से एक मुस्लिम नाबालिग लड़की की असमत रेसी करते हुए उसको कत्ल कर दिया गया, जिसकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सख्त मजम्मत करते हैं। और गुज़िश्ता हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से उनकी हिदायत पर वहाँ के जो राजेंद्र नगर के जो इंचार्ज हैं रहमत बेग, उन्होंने वहाँ पर पुलिस में दरख्वास्त दी और वहाँ के पुलिस स्टेशन पर भी धरना दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर केस बुक हुआ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की जानिब से और तमाम मुस्लिम तंजीमों की जानिब से हम यहाँ पर एहतजाज करते हैं। मुझे अफसोस होता है कि हमारे वज़ीर दाखिला का आज तक एक मजम्मती बयान तक नहीं आया, जो बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई। जिस तरह दिशा के केस के अंदर जिस तरह इंसाफ किया गया, फांसी दी गई खातिलों को, उसी तरह इस खातिल को भी, मधु यादव को भी फांसी की सज़ा दी जाए, हम लोग यही मुतालिबा करते हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर साहब से हम लोग मुतालिबा करते हैं कि फौरन खातिल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज जगतियाल के अंदर सेंट्रल इत्तेहाद अल मुस्लिम कमेटी की जानिब से जो गुज़िश्ता दो दिन पहले मोइनाबाद के अंदर एक गरीब लड़की के साथ जो घर का ओनर उसे असमत रेजी की गई, जिसे हालांकि जो उनकी बहन है एक अच्छा सा एक स्टेटमेंट सीधा सीधा खुला सा एक प्रूफ रखते हुए, दो प्रूफों के साथ रखते हुए
जो अपना बयान दे चुकी है। अभी तक पुलिस उस मधु यादव को कभी ना इंक्वायरी करे ना अरेस्ट करे। हम स्टेट की गवर्नमेंट सीएम साहब से ये मुतालबा करते हैं और होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब से भी ये मुतालबा करते हैं कि भाई जल्द से जल्द इस गरीब मासूम लड़की के साथ जो असमत रेजी की गई है और उसका जो असमत रेजी करने के बाद से जो कत्ल हो चुका है, उस कत्ल के सजावाद जो है उसके पीछे और कौन कौन है, इसकी इंक्वायरी पूरी जांच की जाए, उसके बाद से फिर उनको फौरी। सज्जनर साहब, आप मालूम हो पड़ेगा कि आपके आपकी नौकरी का मामला, ये जैसा कि आप दिशा के मामले के अंदर चार लोगों को गोली मारकर खत्म कर दिए थे, आज आपका ये फर्ज बनता है कि एक मुसलमान गरीब लड़की के साथ असमत रेजी की गई है, तो आपको हम आजमाना चाह रहे हैं कि इस तरफ से हुकूमत से भी हम आजमाना चाह रहे हैं, हुकूमत को हम देखना चाह रहे हैं कि मुसलमान के साथ कैसा सुलूक किया जाता है सीएम साहब। और गवर्नमेंट से हम ये बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि बार बार तेलंगाना आने के बाद कई लोगों के कई औरतों के साथ असमत रेजी की जा रही है, कानून को बहुत ही बहुत सख्त नाफिज करे और निर्भया चट्टम के साथ फौरी उनके ऊपर एक्शन लेते हुए हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे लोगों को रियासत तेलंगाना के अंदर नहीं रखना चाहिए, फौरी फांसी देते हुए ऐसे लोगों को कत्ल कर देना चाहिए। आज अगर एक चीज़ हो गई तो फिर कल दूसरा शेर बन रहा है, इसलिए फौरी सीएम साहब से हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनका कत्ल कर दिया जाए। तेलंगाना राष्ट्र मोइनाबाद మైనార్టీ మైనర్ ముస్లిం బాలికను అత్యాచారం చేసి చంపిన మధు యాదవ్ను వెంటనే ఉరి శిక్ష విధించాలని కోరుతూ ఆ జరిగిన సంఘటనను ముస్లిం సెంట్రల్ కమిటీ జగిత్యాల తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. నిన్నగాక మొన్న దిశ సంఘటన మరొక ముందే మళ్ళా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇటువంటి సంఘటన అత్యాచారం చేసి చంపడం ఒక మైనర్ బాలికను చాలా దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. చాలా మన రాష్ట్రానికి ఇది మాయాని మచ్చ. మేము ముస్లిం సెంట్రల్ కమిటీ జగిత్యాల తరపున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తెలంగాణ రాష్ట్ర కేసీఆర్ గారికి డిమాండ్ చేస్తున్నాము, మీరు వెంటనే హోంమంత్రితో కలిసి ఆ మైనర్ బాలిక ఏదైతే రేప్ వ్యక్తి ముందు ఆమెకి రేప్ చేసి చంపిన మధు యాదవ్ నిందితుడిని వెంటనే ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ద్వారా మన నిర్భయ చట్టం ప్రకారం అతని ఉరి శిక్ష విధించి ఆ మన మైనర్ బాలిక వారి వాళ్ళను కలవాలని వారి ఫ్యామిలీకి మీరు ఆదుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మళ్ళా ఇటువంటి సంఘటనలు దేశంలో ఎక్కడా చోటు చేసుకోకుండా మీరు కఠిన శిక్షలు విధిస్తే ఈరోజు ఈ గతి కాకపోదు. కావున మీరు ఇప్పుడైనా మేల్కొని ఆ నిందితుడిని వెంటనే ఉరి శిక్ష విధించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము.